हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू माय चैनल मैम की पढ़ाई। आई एम योर टीचर शुभि मालविया। टुडे वी विल स्टडी द चैप्टर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 8 इन सिविक्स। द डेफिनेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स अकॉर्डिंग टू विच द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री रन्स। मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसे रूल्स का सेट होता है जिसके अकॉर्डिंग किसी भी देश की गवर्नमेंट मीन्स सरकार चलती है उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर प्लेयर ऑफ अ क्रिकेट और हॉकी और फुटबॉल और एनी अदर टाइप्स ऑफ गेम यू हैव टू फॉलो सम रूल्स एंड रेगुलेशंस टू प्ले दैट गेम। किसी भी गेम को खेलने के लिए हमें कुछ उसमें गेम के जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उन्हें फॉलो करना होता है। अगर उन्हें फॉलो नहीं किया जाएगा तो फिर फाउल हो जाता है, अदरवाइज यू विल बी नॉट विन, तुम जीत नहीं सकते हो। तो सेम वही है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का किसी भी गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन जो कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करता है। इट डिफाइंस द पोजिशन ऑफ थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये साथ ही साथ में गवर्नमेंट के थ्री ऑर्गन्स, ऑर्गन्स का मतलब क्या होता है, उसके मेन जो पार्ट हैं गवर्नमेंट के वो उनको ये डिफाइन करता है। वो फर्स्ट इज लेजिस्लेचर, सेकंड इज एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड इज ज्यूडिशियरी। थर्ड पॉइंट, इट डिफाइंस द पावर ऑफ गवर्नमेंट वेरी क्लियरली सो दैट इट कांट मिसयूज देम। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग को पावर मिल जाती है, वो अपनी गवर्नमेंट बना लेते हैं, उसके बाद वो उस पावर को मिसयूज करने लगते हैं। तो किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन उनको उस मिसयूज से रोकता है। एंड द लास्ट वन, इट सेफगार्ड द राइट्स ऑफ द सिटीजन। और हम जो सिटीजन्स हैं, हम जो किसी देश के नागरिक हैं, हमारे जो अधिकार हैं, हमारे जो कुछ राइट्स हैं, उनको भी यही एक सेफगार्ड के रूप में सेफ करता है, जिससे कि हमारे राइट्स को कोई भी खत्म ना कर सके, हमको हमारे राइट्स हर समय मिलने चाहिए। नाउ व्हाई डू वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, या ये कह सकते हैं व्हाई डू इम्पोर्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की इम्पोर्टेंस क्या है। फर्स्ट पॉइंट, आवर कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं जिसमें गवर्नमेंट की सारी ड्यूटीज, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये सभी कुछ रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट एक्सप्लेन्स द रिलेशंस बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन्स। गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में क्या रिलेशंस होना चाहिए ये भी कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है। नेक्स्ट इज, इट गारंटीज फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। किसी भी देश के पीपल की, किसी भी देश के सिटीजन्स की फंडामेंटल राइट्स जो उनको बाय बर्थ उस कंट्री से मिली होती है, उसकी गारंटी भी वहां का कॉन्स्टिट्यूशन ही देता है। जैसे हमारे यहाँ पर हमें बहुत से फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं। एंड द लास्ट पॉइंट, इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द सिटीजन्स अगेंस्ट एनी इनजस्टिस बाय द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट किसी भी सिटीजन के साथ में इनजस्टिस बिहेवियर कर रही है, पार्शियलिटी कर रही है, पक्षपात कर रही है, तो इस कंडीशन में भी कॉन्स्टिट्यूशन का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। ये उस सिटीजन्स के साथ में हो रहे अन्याय, उस इनजस्टिस को रोकने का काम करता है और उस सिटीजन को या उस पर्टिकुलर पीपल को एक न्याय दिलाता है, जुडिशरी में उसको न्याय मिलता है। नेक्स्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दिस इज द फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। स्टूडेंट्स, दिस टॉपिक ऑलवेज आस्क्ड इन मेनी टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन ऑल्सो। हेयर आर सम वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एंड यू हैव टू नोट डाउन दिस एंड रिमेम्बर इट। मेनी टाइम्स यू विल रीड इट एंड लर्न इट। फर्स्ट पॉइंट, इन 1934 द इंडियन नेशनल कांग्रेस मेड द डिमांड दैट अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली शुड बी फॉर्म। स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल दैट बिफोर 1947 इन ऑन 15 अगस्त वी ऑल वर अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिशर्स। हम सभी ब्रिटिशर्स के रूल में थे। उस समय हमारे देश का कोई कानून नहीं था, जो भी कानून था वो ब्रिटिशर्स ने बनाया हुआ था और उसी को ही वो लोग फॉलो करवाते थे हमसे। इसी वजह से 1934 में
एक ही उस समय जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसने इस बात की डिमांड किया कि हमारी भी कोई एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए. ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फॉर्म. जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ उस समय इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया. इट स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम 9th of December 1946. इसने अपना जो वर्क शुरू किया वो 9 दिसंबर 1946 से स्टार्ट किया. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेट. नेक्स्ट इज राजेंद्र प्रसाद इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ दैट असेंबली. और राजेंद्र प्रसाद जी इस जो असेंबली थी इसके प्रेसिडेंट इलेक्टेड किए गए, मींस चुने गए, उन्हें ही प्रेसिडेंट बनाया गया इस असेंबली का. नेक्स्ट अ ड्राफ्टिंग कमिटी वॉज फॉर्म टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड बी आर अम्बेडकर बिकेम द चेयरमैन. उसी कमेटी के थ्रू एक ड्राफ्टिंग कमेटी को फॉर्म किया गया, बनाया गया, और उसका काम था टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, मीन्स उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना जो कि इंडिया के, जो कि भारत के लोगों के हित में हो, एंड बी आर अम्बेडकर. और बी आर अम्बेडकर को उसी ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक 2 years 11 months 18 days टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में बच्चों 2 साल 11 महीने 18 दिन का टाइम लगा. इट टेक्स दीज टाइम्स. ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम एंडिंग द वीडियो हियर. And in next lecture, our topic will be key features of Indian Constitution. Students, if you have any questions, you can ask me through comment box. Stay tuned for next video and don't forget to like, share, comment and subscribe my channel.